हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के बारे में अब तक डिस्कस नहीं किया था। तो हम लोग यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एटम कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं और उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है और उनका डिस्कवरी कैसे हुआ। खैर वो ग्रेजुअली पढ़ेंगे, पहले शुरू करते हैं एटम के बारे में थोड़ा सा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बच्चों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी एटम्स जो हैं वो रिएक्शन में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एटम आया, एटम देखिए आपस में कंबाइन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है H2। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये हो गए हमारे एटम्स, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल। तो देखो बच्चों यहाँ पे एटम्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, बिकॉज दे आर अनस्टेबल, वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन और बना रहे हैं स्टेबल मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की बात करें तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन मेंटेन किया हुआ है और कंडीशन मेंटेन किया तो हमने बनाया यहाँ पे वाटर। तो वाटर जो है बच्चों आप जानते हैं ये सब्सटेंस, सिंपली सब्सटेंस कहलाता है, ये हमारा कंपाउंड बना है। तो कोई पूछे कि भाई सब्सटेंस H2O वाटर कैसे बना, तो आंसर मिलेगा सर मॉलिक्यूल की रिएक्शन से बना है। तो दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बोले तो मैटर, वो सब मिलके बने हैं एटम और मॉलिक्यूल से। एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो बच्चों कंपाउंड, ये सब्सटेंस बनेंगे। और ये आप जानते हैं ये लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर बन गया। बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, डिफरेंट एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट रिएक्शंस टू गिव डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। अब बच्चों एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2 तो हमने बनाया था, देखिए ClCl कंबाइन हुआ तो क्या बना, Cl2 गैस बना। ये आपको क्लियर है, ये एटम्स हैं और ये हमारा मॉलिक्यूल है। आपको पता है क्लोरीन गैस जो होती है वो नेचर में मिलती है, स्टेबल होती है, तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल, आप देख पा रहे हैं। अब ये वाला एटम देखिए, ये एटम कंबाइन हुआ, डिफरेंट एटम है, H एटम वो H2 देता है, डिफरेंट एटम Cl है वो Cl2 देता है। अभी आपस में कंबाइन अगर होते हैं तो बच्चों बताओ यहां पे आपको कंपाउंड डिफरेंट मिलेगा, तो आंसर है हाँ डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शंस में जाके डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट लेते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में एक फिलोसोफर हुए थे महर्षि कन्नड़, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट टिनी पार्टिकल से मिलके बनी है, सूक्ष्म कण से मिलके बनी है, जिसका नामकरण उन्होंने परमाणु किया था, बहुत कम लोग जानते हैं। बाद में एक ग्रीक फिलोसोफर हुए डेमोक्रेटस, उन्होंने बताया कि ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज नोन एज एटम। तो एटम डेमोक्रेटस ने दिया था और परमाणु हमारे यहां महर्षि कन्नड़ ने दिया था। बस फर्क इतना है कि उन्होंने ग्रीक में एटम दिया और हमारे यहाँ की बात जो है वो परमाणु तक ही रह गई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब उस एटम के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया डेल्टन ने। तो डेल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में कुछ बताया। देखते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ऑल फॉर्म ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स नॉन एज एटम। सर ये वो पॉइंट था जो उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी मैटर की फॉर्म है, फॉर्म बोले तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सिंपली बोले तो मैटर बोले तो सॉलिड लिक्विड गैस, वो सारे के सारे बने हैं बहुत ज्यादा छोटे, वेरी टिनी यानी बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलके बने हैं। और ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनडिविजिबल, इसको किसी भी केमिकल रिएक्शन से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से तोड़ा नहीं जा सकता, डीकम्पोज नहीं कर सकते, ऐसा बताया डेल्टन ने। क्लियर है बच्चों आपको? अब आगे चलते हैं। लेकिन बच्चों डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। अब लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्यों फेल हो गई डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
He claimed that atom is indivisible, but discovery of electron, proton, neutron by degradation of an atom cleared that an atom can be divided into subatomic particles. बच्चों डेल्टन ने कहा था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल होता है, यानी कि उसको किसी भी फिजिकली या उसको केमिकली हम लोग डीकंपोज, डीग्रेड या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चों बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसी एटम को डिवाइड किया और डिवाइड करके उन्होंने इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स को आइसोलेट किया, जिनका नाम आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखा गया। तो उसके बाद क्लियर हो गया कि जो डेल्टन साहब ने बताया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है, उसको डिवाइड किया जा सकता है। बच्चों जो पार्टिकल्स एटम को तोड़ के मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एटम से मिले थे तो उनका नाम रखा गया कॉमनली सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्लियर हो गया एटम जो होता है वो इंडिविजिबल नहीं है, इट इज नॉट इंडिविजिबल, इट इज डिविजिबल एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आइसोलेशन क्लियर दैट इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर। क्या आपको पता है कि एटम को तोड़ के कितने पार्टिकल निकाले गए हैं? तो आंसर आप देंगे 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं सर, ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी कर दीजिए, थोड़ी सी लंबी करेंगे तो आंसर 28 तक चला जाएगा एंड मेनी मोर आर टू बी डिस्कवर्ड। अब बहुत सारे पार्टिकल जल्दी आपको मिलने वाले हैं, 28 पार्टिकल इससे आइसोलेट कर रहे हैं। सोचिए सर, थोड़ा सोचिए, ऐसा पार्टिकल जो आंख से दिखाई नहीं देता है, जो स्मॉलेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर से तोड़ तोड़ के 28 पार्टिकल्स निकाले गए हैं। तो क्लियर हुआ क्यों फेल हुआ डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी? क्योंकि उसने क्लेम किया था इंडिविजिबल, जबकि एटम कैसा होता है? डिविजिबल। क्लियर है सर? आइए बच्चों, लिटिल डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइए जानते हैं किसने क्या किया। जज थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन बाय स्टडिंग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी, इट इज डन बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। ये जो आप बोर्ड पे फिगर देख रहे हैं, इट इज नोन एज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ था वो इसी एक्सपेरिमेंट से हुआ था। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जूलियस प्लकर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन वो उसको कंक्लूड नहीं कर पाया था। कंक्लूजन ऑन दिस एक्सपेरिमेंट बाय जेजे थॉमसन, इसीलिए जो इन्वेंटर के नाम आता है उसमें इन्वेंटर के नाम में जेजे थॉमसन आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया, तो आंसर आप याद रखेंगे जेजे थॉमसन ने ये किया था। तो आइए जानते हैं कैसे और क्या किया था। तो ये हार्ड ग्लास का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है, जिसके अंदर दो मेटल रोड, दो इलेक्ट्रोड को लगाया हुआ था, आप देख पा रहे हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से जोड़ दिया। आप देख पा रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव पोल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा उसका नाम एनोड रखा गया, और जो बैटरी के निगेटिव पोल से जुड़ा उसका नाम कैथोड रखा गया। उसके बाद बच्चों इस ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप लगा के प्रेशर को काफी कम कर दिया गया, और प्रेशर रिड्यूस प्रेशर करने के बाद इसके अंदर एक गैस को भरा गया। कोई भी गैस आप ले सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे जो प्रेशर कम किया था, रिड्यूस किया था बाय अप्लाइंग वैक्यूम पंप, इट वाज फाउंड 10^-4 से लेके 10^-2 एटीएम प्रेशर। बच्चों इतना लो प्रेशर मेंटेन किया और उसके बाद इसके अंदर एक गैस भर के हाई वोल्टेज करंट सप्लाई किया। जब हाई वोल्टेज करंट सप्लाई किया तो कुछ पता नहीं चला कि कुछ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। कुछ भी एमिशन ऑफ पार्टिकल, एमिशन ऑफ रेज वाज नॉट कंसिडर्ड एट दैट टाइम, नहीं पता चला। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एनोड के पीछे यहां पर जिंक सल्फाइड ZnS जिंक सल्फाइड का पॉलिश कर दिया, और उन्होंने देखा कि दोबारा परफॉर्म किया, हाई वोल्टेज सप्लाई किया, तो बच्चों ये बिल्कुल पता चला कि वोल्टेज ऑन करने के बाद एनोड के पीछे वाली ग्लास वॉल के ऊपर ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हुआ। तब जाके जेजे थॉमसन साहब को पता चला कि कुछ पार्टिकल एमिट होते हैं कैथोड से जब हम लोग लो प्रेशर पे किसी गैस के अंदर हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। इन पार्टिकल्स का नाम रखा गया कैथोड रेस पार्टिकल्स। क्लियर है बच्चों? एक्चुअली ये इनविजिबल थे, दिखाई नहीं पड़ते थे आंख से, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहां पर ये करना पड़ा है। तो ध्यान रखिएगा, दीज आर इनविजिबल कैथोड पार्टिकल्स और रेस,
which are emitted from cathode on supplying high voltage in a gas under reduced pressure. Clear hai sir? Picture lete hain. Electron name to cathode rays particle was given by Stoney. Bachcho, bahut lambe time tak iska naam cathode rays aur cathode particles hi bola gaya. Lekin Stoney pehla scientist tha jisne cathode ray particles ka naam rakha electrons. Usne kaha ki agar cathode ray particle ki baat karein to iska naam electron hona chahiye. Electron is considered as universal subatomic particle. बच्चों मैंने कहा था कि एटम को तोड़ के तीन पार्टिकल निकाले थे जिसकी वजह से डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया था. वो पार्टिकल कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. उनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं क्योंकि वो एटम के अंदर से आते हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि इन तीनों में से केवल एक ही पार्टिकल है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एटॉमिक पार्टिकल. ऐसा इसलिए होता है कि आप यहां पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी गैस लीजिए, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रोड लगाइए, फर्क नहीं पड़ता. हमेशा बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास वैल्यू E बाय M वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है. कोई भी गैस लीजिए, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड लगाइए, ये E बाय M वैल्यू चेंज नहीं होती है. तो केवल इलेक्ट्रॉन ही ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो यूनिवर्सल सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाता है. आइए देखते हैं E by M value for the electron is found minus 1.76 into 10 raised power 8 coulomb per gram. Clear hai bachcho? So this was all about the discovery of electron. Clear bachcho? Thanks for watching.